नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल संजू इनफॉर्मर में। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, किसानों को सालाना मिलेंगे 42,000 रुपए, नहीं देना होगा कोई डॉक्यूमेंट्स। आप भी जल्दी करा ले रजिस्ट्रेशन। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के लिए अच्छी खबर है, अब आपको सालाना 6,000 रुपए के साथ साथ 36,000 रुपए का फायदा मिलेगा, यानी आपको सालाना पूरे 42,000 का फायदा सरकार की ओर से मिलेगा। खास बात यह है कि इसके लिए आपको कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाना पड़ेगा। आइए बताते हैं आप कैसे इन पैसों का फायदा ले सकते हैं। आपको बता दें, पीएम किसान स्कीम में किसानों को 2,000 रुपए इन किस्तों में दिए जाते हैं। इसके अलावा आप किसान मानधन योजना के तहत हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन ले सकते हैं। इस तरह आप इस दोनों स्कीमों के जरिए कुल 42,000 रुपए का फायदा ले सकते हैं। पीएम किसान मानधन योजना का फायदा आपको 60 साल की उम्र के बाद मिलना शुरू हो जाता है, यानी 60 के बाद हर महीने आपके खाते में 3,000 रुपये क्रेडिट किए जाएंगे। इस योजना में आपको मामूली पैसा जमा करना होगा, इसके बाद आपको यह आर्थिक सहायता सरकार की तरफ से मिलती रहेगी। केंद्र की ओर से चलाई जा रही इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको आधार कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल जैसे कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी। लेकिन यदि आप पीएम किसान योजना का लाभ ले रहे हैं तो इसके लिए आपको कोई भी अलग से डॉक्यूमेंट्स दिखाने की जरूरत नहीं है। इस योजना का फायदा 18 से 40 साल तक का कोई भी व्यक्ति ले सकता है। इसमें आपको 55 रुपये से लेकर 200 रुपये तक का मंथली निवेश करना होता है। अगर आप 18 की उम्र में निवेश करते हैं तो आपको मंथली 55 रुपये देना होगा। अगर वहीं आप 30 की उम्र में निवेश करते हैं तो आपको 110 रुपये और 40 की उम्र में निवेश करते हैं तो 200 रुपये देनी होंगी। अगर आप 40 की उम्र में योगदान दे रहे हैं तो आपको अधिकतम योगदान 2400 रुपये का देना होगा। 6,000 रुपये में से अधिकतम योगदान 2400 रुपये कटे तो भी सम्मान निधि के 3600 रुपये खाते में बचेंगे। वहीं 60 की उम्र होने के बाद आपको 3,000 रुपये महीना पेंशन का लाभ मिलता रहेगा। इसके अलावा 2,000 की 3 किस्त भी आती रहेगी। 60 की उम्र के बाद कुल फायदा 42,000 रुपये सालाना होगा। धन्यवाद। कंटेंट अगर पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना और साइड में देखो बेल आइकन भी है, उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देना ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपको मिल सके।